हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग का जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस, आपके पर्सन की फैमिली, उनके कोई फ्रेंड, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशली स्टेबल आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनका काम अच्छा है, उनका जो बिजनेस या जॉब वो करते हैं वो अच्छी तरह से चल भी रहा है और वो बहुत अच्छी तरह से उसे संभाल भी रहे हैं, उस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और जिनके पर्सन अभी फाइनेंशली स्टेबल नहीं हुए हैं तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा उनका ध्यान अभी अपने पैसों पर है, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह उनकी ज़िंदगी लग्जरी लाइफ वो जीना चाहते हैं, ऐसी आपके पर्सन की एनर्जी है। वो चाहते हैं उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, दुनिया की जो भी चीज़ है जो वो हासिल करना चाहते हैं वो सब कुछ उन्हें मिले, इसके लिए उन्हें लगता है कि पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से अपने काम पर बहुत ज़्यादा अभी आपके पर्सन ध्यान दे रहे हैं। वो जो एक इच्छा होती है कि किसी से कम मुझे नहीं रहना है, हाँ, तो वही वाली एनर्जी अभी आपके पर्सन की है कि उनके पास सब कुछ होना चाहिए, लग्जरी लाइफ वो जीना चाहते हैं, रुपये पैसे की कोई कमी उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें हासिल करनी है, सब कुछ उन्हें मिलना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है कहूँ गाइस, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि इन दोनों के बीच चीटिंग चल रही है। या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से झूठ बोलती है या आपके पर्सन उससे झूठ बोल रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है कि दोनों तरफ से भी ऐसा हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी की तरफ से है या फिर आपके पर्सन की तरफ से है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चीटिंग तो दिखाई दे रही है, कोई ना कोई यहाँ पर झूठ बोलता है, बातें छुपाता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ने आपको तो चीट किया ही है गाइस, लेकिन यहाँ पर कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी को भी अभी चीट कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन निकलना चाहते हैं, ऐसा भी है। और कुछ के रिश्ते में ये भी हो रहा है गाइस कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चीट कर रही है, किसी और में वो इंटरेस्टेड है लेकिन आपके पर्सन को नहीं बता रही, और आपके पर्सन से झूठ भी बोल रही, बातें भी छुपा रही है, और आपके पर्सन से वो दूर भी भाग रही है, ऐसा भी कुछ के रिश्ते में हो रहा है कि थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन से दूर भाग रही है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। और इस वजह से यहाँ पर आपके पर्सन पेन में दिखाई दे रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी आखिर ऐसा क्यों कर रही है, और उन्हें ये भी सब याद आ रहा है कि यही सब उन्होंने आपके साथ भी किया था। जब थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में आई थी तो वो उन्होंने आपके साथ भी तो यही किया था, आपसे दूर भागते थे, आपको इग्नोर करते थे, आपसे बातें छुपाते और झूठ तो बोलते ही थे, और कभी भी ये बताना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ चुका है। अब वही थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ कर रही है, जिस वजह से आपके पर्सन यहाँ पर दर्द में दिखाई दे रहे हैं। तो समझ गए गाइस, कुछ के पर्सन तो सेटल हो चुके हैं और कुछ के पर्सन सेटल होना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को चीट कर रहे हैं, कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चीट कर रही है, और आपके पर्सन की जो अभी एनर्जी है यही है कि वो थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा लाना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। इस एनर्जी में भी आपके पर्सन है और थर्ड पार्टी से वो निकलना चाहते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इग्नोर भी आपके पर्सन कर रहे हैं। और कुछ की थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। देखिए, जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया था गाइस चीटिंग, उसका कर्मा तो उन्हें मिलेगा ही, तो वही मिल भी रहा है थर्ड पार्टी के साथ अभी उन्हें, है ना। तो आपके पर्सन की एनर्जी अब ये है कि किसी भी तरह भाग कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो ये सब झेल नहीं पा रहे हैं, जो थर्ड पार्टी के ट्रिगर उन्हें मिल रहे हैं, उनके कार्मिक्स का जो ट्रिगर उन्हें मिल रहे हैं उसे वो झेल नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ परेशान हो रहे हैं, उनका दिल भी वहाँ नहीं लगता क्योंकि थर्ड पार्टी के कंट्रोल में उन्हें रहना पड़ता है। तो अभी तो थर्ड पार्टी को खैर वो इग्नोर कर रहे हैं, और कुछ के रिश्ते में तो थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है, ऐसा भी है। लेकिन जो भी सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं और ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं,
उनकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, सारा ध्यान आपकी तरफ है, क्योंकि आपके साथ रीयूनाइट उन्हें होना है। ये बात आपके पर्सन समझ रहे हैं और उन्हें यह भी समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया था उसी का कर्म उन्हें थर्ड पार्टी के साथ मिल रहा है। थर्ड पार्टी भी उसी तरह उन्हें परेशान कर रही है जिस तरह वो आपको करते रहे। और ये भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन कुछ ऐसा काम करते हैं कि काफ़ी वो फेमस हैं, या फिर ऐसा भी है कि सोसाइटी में उनका नाम है ना, रुतबा है, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि किस तरह आपकी तरफ बढ़ा जाए और किस तरह थर्ड पार्टी से निकला जाए। प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ तो रहने का उनका इरादा अभी तो दिखाई नहीं देता, अभी तो उनकी एनर्जी यही है कि उन्हें वहाँ से निकलना है, तो बहुत ज़्यादा वो प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी का डर भी आपके पर्सन को है, फैमिली का डर है, ऐसा भी है यहाँ पर, तो इस वजह से वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ा जाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि अभी आपको कॉल मैसेज आ जाएगा या आपकी तरफ अभी बढ़ने वाले हैं, आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, ये मैं अभी नहीं कह रही ना, एक्शन का कार्ड नहीं है यहाँ पर, प्लानिंग कर रहे हैं ये दिखाई दे रहा है कि वो किसी भी तरह अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लान उनके चल रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी एक्शन तो यहाँ नहीं दिखाई देता ना, अभी तुरंत कॉल मैसेज आ जाएगा ये मत सोचना, क्योंकि कल भी बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि कब तक कॉल या मैसेज आएगा, तो अभी कॉल मैसेज यहाँ कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन प्लानिंग चल रही है ना, तो आगे जाके रियूनियन, यहाँ रियूनियन भी है तो रियूनियन तो होना ही है, लेकिन टाइम तो लगेगा, अभी तुरंत नहीं हो सकता, अभी कॉल मैसेज तुरंत नहीं आएगा, तुरंत वो आपसे कनेक्ट नहीं हो जाएंगे कि आपसे बात करना शुरू कर दें या आपसे मिलने के लिए आ जाएं, आपको कमिटमेंट दे दें, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अभी प्लानिंग चल रही है। ठीक है, क्योंकि पहले उन्हें थर्ड पार्टी से निकलना है तभी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन हैं। यहाँ पर जो कुछ भी है गाइस डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है, आपको पता है सबकी एक जैसी तो होगी नहीं कि 1 वीक में ही सबके पर्सन वापस आ जाएंगे, 1 मंथ में सबके पर्सन वापस आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता ना, डिवाइन टाइमिंग सबकी अलग अलग है, तो उसी हिसाब से रियूनियन भी होगा, है ना, तो आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, होप नहीं खोना है। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, इतने टाइम से आप वेट कर रहे हो, कर सकते हो तो थोड़ा और कर लो, लेकिन होप मत हारना कि कुछ नहीं हो सकता, आप ये मत सोचना, पॉजिटिव सोचना कि सब कुछ सही होगा, जो आप चाहते हो वही होगा, तो पॉजिटिव रहकर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। लव वाइब्रेशन आप अपने पर्सन को सेंड कर सकते हैं, हीलिंग आप अपने पर्सन को सेंड कर सकते हैं, और आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, किसी का वेट नहीं करना, किसी का चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप किसी को रो परेशान होके और रो के हासिल कर लोगे ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना, ऊपर वाले के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, वो सब कुछ सही करेंगे, जिन्होंने सब बिगाड़ा है वही सब कुछ ठीक भी करेंगे, लेकिन सही टाइम आने पर ही सब कुछ ठीक होता है, आपके हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। डिवाइन टाइमिंग आएगी तो आपका भी रियूनियन होगा, बहुत लोगों का हो चुका है, तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा, और खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है गाइस, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।